मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अरे मेहता साहब, कहाँ भाग रहे हैं आप? घर। अरे पर क्यों? क्योंकि मेरा बॉस मेरा हाल पूछने के लिए मेरे घर जा रहा है। क्या? और इससे पहले कि बॉस मेरे घर पहुंचे, मुझे घर पहुंचना होगा। पर ये कैसे पब्लिशल है? क्या? अच्छा, पॉसिबल कहना चाहते हो? हाँ। वो कैसे भी करके पॉसिबल करना पड़ेगा जेठालाल, वरना आज तो मेरी नौकरी गई। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होगा मेहता साहब, दो मिनट दीजिए, कुछ रास्ता निकालता हूँ। जेठालाल, रास्ता निकालने के चक्कर में अगर मेरा बॉस घर पे पहुँच गया तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा भाई, मुझे जाने दो। अरे एक मिनट शांति रखिए मेहता साहब, सबसे पहले तो अंजलि भाभी को फोन कीजिए। अंजलि को क्यों? उनको फोन कीजिए और कहिए कि घर को बाहर से ताला मार के कहीं बाहर चले जाए। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल, घर के बाहर ताला देकर तो बॉस मुझे ही फोन करेगा ना। यही तो चाहिए मेहता साहब, जैसे आपका बॉस आपको फोन करे, आप कह देना कि आप बेडरूम में आराम कर रहे और अंजलि भाभी किसी काम से बाहर गए, घर को बाहर से ताला लगा के, तो आपके बॉस बाहर के बाहर से ही चले जाएंगे। वाह जेठालाल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, अभी अंजलि को फोन करता हूँ। अंजलि फोन नहीं उठा रही है। क्यों? अरे मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना जेठालाल। नहीं नहीं, उनका बोला फोन उठाए, वरना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे पर कैसे बोलूं, अंजलि फोन उठाए तो बोलूं आना। अरे जेठालाल, अब बस एक ही रास्ता, इससे पहले कि बॉस मेरे घर पहुंचे, मुझे पहले पहुंचना होगा। अरे पर वो कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल? हां वही वही। क्या करूं, आज मेरी नौकरी गई। नहीं, कोई नौकरी नहीं जाएगी मेहता साहब, आप शांति रखिए। एक काम कीजिए, भिड़े को फोन कीजिए। भिड़े को क्यों? अरे भिड़े तो घर पे ही रहता है ना, भिड़े को फोन कीजिए और उसे कहिए कि अंजलि भाभी से आपकी बात कराए। अरे हाँ ये भी सही है, मैं अभी भिड़े को फोन लगाता हूँ। हो गया, हो गया, अभी हो जाए। आज का दिन कितना अच्छा गया, एक ऑर्डर डिलीवर करने गया था, 3 एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गए। ये फोन भी ऑर्डर के लिए होगा। नहीं नहीं, रुको रुको, आत्मा राम, कंट्रोल। गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं, घर जाके शांति से फोन करूंगा। ये भिड़े भी फोन नहीं उठा रहा है। ले। ये। अरे अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे अरे एक मिनट, अरे मेहता साहब, अरे मेहता साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, एक और रास्ता है। अब क्या रास्ता बचा है जेठालाल? अरे भिड़े ने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, माधवी भाभी है ना, उनको फोन कीजिए। उसके बाद अय्यर को फोन लगाओ, फिर बबीता जी को फोन लगाओ, उसके बाद सोनी को फोन लगाओ, हम यहाँ पर सबको फोन लगाते रहेंगे, तब तक मेरा बॉस मेरे घर पहुँच जाएगा। अरे पर मेहता साहब, हम कुछ भी करें, आपके बॉस के पहले तो गोकुल तक नहीं पहुँच पाएंगे ना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और मेरा बॉस मेरे घर पहुँच जाए? नहीं नहीं मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, देखिए कुछ भी हो जाए, मैं आपके बॉस को आपके घर तक नहीं पहुँचने दूंगा। कैसे? और सोचते हैं। सोचने का टाइम नहीं है जेठालाल, तुम यहाँ खड़े रह के सोचो, मैं चला। एक मिनट मेहता साहब। तुम्हें क्या है? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, अगर सेठ जी परमिशन दे तो बताऊं। अरे बोलने भाई, जल्दी बोल बोल बोल। अब्दुल भाई। क्या अब्दुल भाई? क्या अब्दुल भाई तो इस वक्त अपनी दुकान में या सोसाइटी में ही होंगे, तो आप अब्दुल भाई को फोन करके बोल दीजिए ना, वो मेहता साहब के बॉस को गेट पे ही रोक लेंगे। ये बढ़िया आइडिया है मेहता साहब, मैं अभी अब्दुल को फोन करता हूँ। और फोन स्पीकर पे कीजिएगा। अच्छा हुआ सवेरे सवेरे सारा सामान आ गया, जिसका जिसका ऑर्डर है पहुंचा देता हूं। हाँ जटे भाई, मैं आपको फोन करने वाला था, आपने जो सामान मंगाया था ना वो सामान आ गया। अब्दुल तू अभी वो सब जाने दे। कहाँ जाने तू जटा भाई? अरे आपने कहा था कि आपको चाहिए, इसीलिए तो मंगवाया, अभी वापस नहीं जाने दे सकता, मैंने पेमेंट भी कर दिया है। अरे कुछ वापस भेजने की जरूरत नहीं, वो सारा माल मैं ले लूंगा, अभी मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो तो सिर्फ सुन। क्या कह रहे? वो ये जो भी कह रहा हूँ सिर्फ सुन। हाँ हाँ सुन ही रहा हूँ, बोली ना। जेठालाल जल्दी बोलो ना। ये कौन बोला? मेहता साहब। अरे हाँ मैं बोला। कॉन्फ्रेंस कॉल है क्या? सोनी भाई, आती भाई, अब सब साथ में है।
पार्टी शार्टी का प्लानिंग कर रहे हो क्या? अरे अब्दुल भाई प्लीज, अभी बिना कुछ बोले तो सिर्फ सुन भाई, सिर्फ सुन तो सुन, ओके? हाँ बोलिए, सुन ही रहा हूँ। हाँ तो देख, अभी मेहता साहब के बॉस वहाँ आएंगे, तो कुछ भी हो जाए उनको सोसाइटी के अंदर जाने मत देना। तेरी दुकान के पास, सोसाइटी के गेट के पास उनको रोक के रखना, ठीक है? जेठालाल की मदद करने के लिए मैंने अपने बॉस से झूठ बोल के छुट्टी ली और कहा कि मेरे पैर में मोच आई है, और अभी मेरे बॉस मेरी मोच देखने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं। मेहता साहब, अभी तो आप जेठा भाई के साथ में हो ना? हाँ, इसलिए कुछ भी करके मेरे बॉस को सोसाइटी के गेट पे रोक देना। ठीक है मेहता साहब, मैं समझ गया, अब मैं हूँ और आपका बॉस, मैं उन्हें सोसाइटी के गेट के अंदर जाने ही नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश अब्दुल, शाबाश। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू सो मच। लेकिन मेहता साहब, मैं आपके बॉस को पहचानूंगा कैसे? मेरे बॉस एक सिल्वर कलर की बड़ी गाड़ी में आएंगे जिसका नंबर होगा 6726। ओके, और अभी मैं तुम्हें मेरे बॉस का एक फोटो भी भेज दिया। बढ़िया, हाँ ओके मेहता साहब, अब मिशन बॉस रोक को स्टार्ट। जय हिंद। ओके जय हिंद। बस मेहता साहब, आपके बॉस को रोक लिया बस। लेकिन अब्दुल ज्यादा देर तक मेरे बॉस को रोक नहीं पाएगा, हमें जल्द से जल्द सोसाइटी पहुंचना होगा। हाँ चलो चलो चलो। और सेठ जी, हम क्या, हम क्या आए? कहाँ? सोसाइटी। अरे सबको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? एक से भले दो, दो से भले चार। ठीक है तो आप दोनों जाओ, मैं दुकान संभालता हूँ। चलिए मेहता साहब। चलिए मेहता साहब, बड़े सीधे सीधे अंदर जा, डोंट डाई क्या ही नहीं। ऑल द बेस्ट मेहता साहब। हाँ अरे हाँ, ऑल द बेस्ट मेहता साहब। हाँ जेठालाल, मेरा बॉस अपनी गाड़ी में आधे रास्ते तक पहुंच गया होगा और हम रिक्शा में उनसे पहले कैसे पहुंचेंगे? डोंट वरी मेहता साहब, जो काम सुई कर सकती है वो बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती, बराबर ना बागा? मैं कुछ समझा नहीं नटू काका। अरे तलवार जैसी बड़ी गाड़ी छोटे छोटे रास्ते से नहीं जा सकती, लेकिन मेहता साहब की सुई जैसी रिक्शा छोटे छोटे रास्ते से यूं पहुंच जाएगी, समझा? अब समझा नटू काका। मेहता साहब आप समझे? अरे हाँ भाई समझ गया ना, चलो ना जेठालाल, पता नहीं मेरा बॉस कहाँ तक पहुंच गया। चलो 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 चलो। जानू जानू, मैं तुमको बोला ना, लेकिन अभी अचानक अगर मेहते के पाँव में मोच आ गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बट बड़ी डोंट वरी स्वीट हार्ट, डोंट वरी, कल सुबह तक मैं तुम्हारी किट्टी पार्टी की टूर की प्लानिंग है ना पूरी की पूरी करवा दूंगा। बट आई लव यू एंड यू नो व्हाई, तू तो मुझे जान आई, तू तो मुझे जान आई। क्या ओके ओके, बीवी से डील करना कितना मुश्किल है यार, मेहते के पाँव में मोच आई ना सारा प्लानिंग गड़बड़ हो गया मेरा। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मेहता साहब ने चोट का बहाना बनाया छुट्टी लेने के लिए। क्या बात करते हो मुंगी लाल, मेहता ने मेरी बात कराई डॉक्टर से फोन पे? सर आज की डेट में फोन पे डॉक्टर से बात कराना कौन सी बड़ी बात है? सर आप कहो तो अभी चार डॉक्टर से आपके फोन पे बात करवा दूं। अच्छा, अगर मेहता ने मुझे झूठ बोला है ना तो आज उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। गोकुलधाम कितनी दूर है? बस सर थोड़ी दूर है, जल्दी लो वहां पर। अरे एक रिक्शा नहीं दिख रही है। अरे मिल जाएगी मेहता, आई 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 आई, देखो रिक्शा रिक्शा, आई आई मेहता, चलो चलो चलो। गोरेगांव गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर का ले लो। मुझे नहीं जाना साहब। क्यों क्यों, क्या नहीं जाना है मुझे? बांद्रा जाना है तो ले जाता हूँ। पर हम लोग बांद्रा क्यों जाएं? हाँ क्योंकि रिक्शा बांद्रा जा रही है। अच्छा, हमसे पहले किसी और पैसेंजर ने रिक्शा बुक की है क्या? कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ मेरा घर बांद्रा में है साहब, अभी लंच टाइम हो गया है, डॉक्टर ने बोला है टाइम टू टाइम घर का खाना खा लिया करो। क्यों क्या हुआ है तुम्हें? अरे पंचायती छोड़ो ना, दूसरा ऑटो ढूंढते हैं। चलो चलो जब जब। अरे ए रुको, उतर रहता था जब। गई 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 मेरी नौकरी गई। अरे मेहता साहब नकारात्मक मत सोचिए, हकारात्मक सोचिए। अरे वो हकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है भाई। आओ जो भी है सकारात्मक सोचिए मेहता साहब। कैसे सकारात्मक सोचूं? अंजलि फोन नहीं उठा रही है, ऑटो वाले को बांद्रा जाना है, कोरेगांव नहीं जाना है और दूसरी ऑटो भी नहीं मिल रही है भाई। अरे ऑटो छोड़ो, वो देखो टैक्सी आ रही है, टैक्सी में चलते हैं। चलो ए रुको रुको रुको, रिक्शा छोड़ो टैक्सी में चलते हैं। चलो 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 भाई साहब, गोरेगांव पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी चलोगे? हाँ हाँ साहब चलेंगे ना, हमारा तो काम ही है चलना। वो तैयार है भाई, चलो चलो चलो। हे भगवान,
बॉस के पहुंचने से पहले मुझे पहुंचा देना। हाँ 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 पहुंच जाएंगे, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। सर आगे से एक शॉर्टकट है गोकुलधाम जाने के लिए, लेकिन अपनी गाड़ी बड़ी है तो हम वहाँ से जा नहीं पाएंगे। अरे यार जहाँ से मर्जी लो बाबा, मुझे जल्दी गोकुलधाम पहुँचाओ। जी सर। हवा के साथ साथ भाई गाना गाना बंद करो और गाड़ी तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। अरे सर जी गाना तो बंद नहीं होगा। क्यों, स्टॉप का बटन बिगड़ गया है क्या? नहीं वो क्या ना साहब, मैं यहाँ सिंगर बनने आया था और जब तक क्या अच्छा चांस नहीं मिलता ना तब तक घर चलाने के लिए टैक्सी चला रहा हूँ। ये भाई मुझे तुम्हारी बायोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तेज चलाओ मुझे घर जल्दी पहुँचना है। भाई साहब वो क्या है ना कि जिंदगी की रफ्तार में सभी को कहीं ना कहीं पहुँचना ही है, लेकिन क्या है ना साहब कि दुनिया गोल है तो आदमी घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाता है। बोलो लेखक आप और बड़ी बड़ी बातें भाई साहब कर रहे हैं। लेखक साहब आप लेखक हैं? हाँ अरे बहुत बड़े लेखक के तारक मेहता नाम है। साहब आप ना गाने लिखिएगा और मैं गाने गाऊंगा, फिर दोनों मिलके साथ में ना एक साथ अच्छा काम ढूंढेंगे। ये अगर तुमने अगर गाड़ी तेज नहीं चलाई ना तो मुझे दूसरा काम ही ढूंढना पड़ेगा। भाई तेज चलाओ ना। हाँ भाई आप जल्दी फास्ट चलाओ वरना सच में इनकी नौकरी चली जाएगी। कमाल है साहब। अरे आमतौर पे तो लोग अगर ऑफिस देर से पहुंचते हैं तब नौकरी जाती है, और ये साहब अगर घर देर से पहुंचेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तू एक काम कर भाई, तो गाड़ी साइड में लगा, हम लोग दूसरी टैक्सी में चले जाते। नहीं नहीं साहब रुकिए, अब देखिए मैं कैसे एकदम फास्ट चलाता हूँ, हवा से भी तेज। हाँ तो चला ना भाई, और तेज और तेज। हाँ साहब। हाँ हाँ टेंशन मत लो मेहता साहब, अभी फर्स्ट क्लास तेज चल रही है, अभी फटाफट पहुंच जाएंगे हम लोग घर पे। ये टर्न आ गया इसलिए थोड़ा स्लो करना पड़ा ना। गाड़ी को रोक दी? रोकी नहीं साहब, रुक गई है, गैस खत्म हो गया है। अरे गाना गाना याद रहता है लेकिन गाड़ी में गैस भराना भूल जाते हो। अब मेहता साहब अभी इसके साथ झिपा जोड़ी करके कोई मतलब नहीं है, हम दूसरी रिक्शा टैक्सी जो भी मिले उसमें निकलते हैं। चलो मेरा बॉस गोकुलधाम पहुंच गया होगा। अरे टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, अब्दुल है ना वो ने रोक लेंगे अगर पहुंच भी गए होंगे बॉस तो। भाई चलो उतरो जल्दी अभी, चलो चलो। देखो देखो रिक्शा टैक्सी। हां रिक्शा चलो, गेट पे ताला भी लग गया और सामान भी लग गया। अब मेहता साहब के बॉस मेहता साहब के घर पे क्या सोसाइटी के अंदर भी नहीं जा सकते। ये तो वही गाड़ी है ना जो मेहता साहब ने बताई थी। क्या हुआ भाई, गाड़ी को रोक दी? सर रास्ते के बीच में किसी ने सामान रख दिया है। ए, ये कौन बेवकूफ आदमी बीच रास्ते में सामान रख के चला गया। फोन मारो फोन मारो। एक मिनट रुको रुको मैं देखता हूँ। गार्ड भाई साहब। ओ भैया जी आपने मुझे बुलाया, अंदर और कोई है क्या? हाँ जी कहिए। ये सामान किसका है? ये मेरा है। क्यों यहाँ पर क्यों रखा है? वो क्या है कि जिसका जिसका ऑर्डर है ना उसका सामान वहाँ पहुँचाना है। हाँ वो तो ठीक है लेकिन बीच रास्ते में क्यों रखा है? अभी मुझे तारक मेहता के घर पे जाना है तो मेरी गाड़ी अंदर कैसे जाएगी? मेरा इतना छोटा सा सामान अंदर नहीं जा रहा है, आपकी इतनी लंबी कार कैसे जाएगी? मतलब देखे गेट पे ताला लगा हुआ है। अरे भाई ये गेट पे ताला क्यों लगा है? तो ताला लगाने वाले को पता होगा ना। किसने लगाया ताला? उसने जिसने ये ताला बंद किया। पर गेट बंद किसने किया? जिसने ताला लगाया। अरे तो गेट को बंद करने वाला और ताला लगाने वाला एक ही आदमी हुआ ना। वाह समझ गए आप। अरे समझ गया लेकिन पर वो है कौन? वही हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। तुम्हारा सेक्रेटरी? हाँ। पर उसने इस वक्त ये सोसाइटी के गेट पे ताला क्यों लगाया? वो क्या है ना वो इस सोसाइटी को अपने घर जैसा समझते हैं और कोई भी अपने घर से बाहर जाता है तो ताला लगा के जाते हैं ना, वो जब भी बाहर जाते हैं ना तो ताला लगा के जाते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? हमारे सेक्रेटरी साहब। कैसा सेक्रेटरी है तुम्हारा? जैसे भी है
वो हमारे सेक्रेटरी है। और मैं भी अंदर कैसे जाऊंगा? कब कब खुलेगा ये ताला? वो तो हमारे सेक्रेटरी साहब भिड़े भाई आएंगे तब ना, चाबी उनके पास है। यार तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊं? और रास्ता अंदर जाने का? ये क्या? क्या ये क्या? अरे कूद के जाना पड़ेगा। कूद के? हाँ मैं भी कूद के आया है बाहर। तो एक काम करो, अपने सेक्रेटरी को फोन करो और पूछो कि वो कब भी आएगा। मैं उनको फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? कब आएगा फिर वो? बस वो 2-4 घंटे में आ जाएंगे। क्या? तो तब तक मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, आप मेरी दुकान संभाल लीजिए। अरे मैं करोड़ों की कंपनी का मालिक हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, और तुम्हारी ये छोटी सी दुकान संभालूंगा मैं? ये मेहता कैसी सोसाइटी में रहता है यार, कैसे अजीब लोग रहते हैं यहाँ पर। सेक्रेटरी को देखो, ताला मार के चला गया। मैं अभी मेहता को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मेहता साहब फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? वो उनके उनके हाँ उनके पैर में मोच आ गया है ना। तो फोन पैर से उठाता है क्या वो? नहीं, वो दवा लेके सो गए। तो एक काम करो, उनकी धर्म पत्नी को फोन करो और बोलो कि मेहते के बॉस आए। बोलो। क्या? आपने बात ही ऐसे की। मुझे मालूम है कि अंजलि भाभी को फोन करना चाहिए, मैं फोन करता भी, लेकिन क्या है ना, वो घर पे थी, वो बाहर गए। बाहर मैं क्या करूं? वापस जाओ। क्या? आप धूप में खड़े खड़े परेशान हो जाओगे, और हमारे सेक्रेटरी साहब कितने बजे आएंगे कुछ पता नहीं ना, उनका कोई भरोसा नहीं है। कैसा सेक्रेटरी है यार ये? ऐसे ही है, मैं भी बहुत परेशान हो गया। आपके पास कोई अच्छी जगह हो तो मुझे बताना, मैं भी वहां आऊंगा। नहीं नहीं, तुम बताना बाबा, मैं ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, ठीक है? लेकिन तुम बाद में मैट्रिक को बोल देना कि भाई तेरे को मिलने के लिए तेरा बॉस आया था, लेकिन गेट पे ताला लगा हुआ था, वो गेट से ही चला गया। हाँ हाँ जरूर जरूर, ये सुनकर उनको बहुत खुशी होगी। क्यों? खुशी क्यों होगी? आप उनको मिलने के लिए यहाँ तक आए, ये खुशी की ही बात है ना। पर तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया ना, पानी फेर गया। चलो ड्राइवर। ये सब क्या है? सर सामान है। वो तो दिख रहा है, लेकिन किसका सामान है? मेरा है, वो अंदर लेके जाना है, लेकिन गेट पे ताला लगा हुआ है। ये ताला किसने मारा? कोई सर फिड़ा बेवकूफ सेक्रेटरी है सोसाइटी का, उसने मारा ये ताला। जबान संभाल के बात कीजिए, सेक्रेटरी यहाँ पे ताला क्यों मारेगा? क्योंकि वो अपना दिमाग किसी सेल में जाकर बेच के आया है। देखिए, आप जिस इंसान को जानते नहीं है उसके बारे में ऐसा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रहने दीजिए ना, मेहता साहब के बॉस है ये। हाँ तो होंगे ना, लेकिन बोलने में सभ्यता होनी चाहिए ना। तुम इसको आंख क्यों मारा? मैंने कहा आंख मारा है, मेरे तो आंख में कचरा गया हुआ था। ठीक है, तो पहले आंख में से कचरा साफ कर, बाद में ये बॉक्स उठा और ये ताला खोल दे भाई। अरे भिड़े भाई, समझो रानू हो जाएगी। क्या क्या गिरा? अरे तू ताला खोल ना भाई। अरे वो ताला कैसे खोलेगा? तुम्हारी सोसाइटी का बेवकूफ सेक्रेटरी ताला मार के चाबी अपनी जेब में डाल के कहीं चला गया। देखिए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी। तुम सेक्रेटरी हो? हाँ। कमाल है भाई, ये तो कमाल है, तुम खुद ही सेक्रेटरी हो, तुमने खुद ने ताला लगाया, उसको पूछते हो कि ताला क्यों लगाया? क्या ताला मैंने लगाया? अरे मैंने कब ताला लगाया? तो फिर किसने लगाया? अरे मालिक का है भाई, किसने लगाया ताला? अरे भाई छोड़िए ना, किसने ताला लगाया? मैं मेहता सबको बोल दूंगा कि आप आए थे। मैं मेहता सबको बोलूंगा कि आप आए थे, आप जाइए। अरे वो जब जाएंगे तब जाएंगे, तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो भाई? ताला तो खोलो, मुझे अंदर जाना है, मेरे पास चाबी है ना। नहीं, खो गई। खो गई? हाँ मेरे पास है ना चाबी, लकीली। वेरी गुड, मैं खोलता हूँ ताला, तो ये जरा बॉक्स हटाओ। अरे भाई आपकी थोड़ा मदद कीजिए ना।
रहे हैं आप? ये मेहता साहब के बॉस है, मेहता साहब को मिलने के लिए आए और मेहता साहब घर पे नहीं है। ये तो मैं भूल ही गया था, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मेहता साहब को बोलना पड़ेगा अभी फोन करके। मेहता साहब और जेठा भाई आ रहे हैं यहाँ पर। पक्का ना? हाँ। क्या आप दोनों बातों में लग गए? गेट कौन खोलेगा यार? आप अंदर नहीं जा सकते। अब भी क्या है? वो क्या है, आप पहली बार हमारी सोसाइटी में आए ना, तो आपको ड्रिंक पीना पड़ेगा। मैं दिन में नहीं पीता हूँ भाई। ये नहीं नहीं वो अब नहीं, वो नहीं है। वेलकम वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक क्या है? अब्दुल के हाथ की सोडा। क्या हम गोकुलनवासी का एक स्टाइल है, जो भी हमारे सोसाइटी में पहली बार आता है ना, हम उसको अब्दुल के हाथ की सोडा पिलाते हैं। और आप तो मेहता साहब के बॉस हो और इतनी धूप में आए हो, तो अब्दुल के हाथ की ठंडी सोडा पीए, आप मस्त ठंडे हो जाएंगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मैं मस्त सोडा बनाता हूँ। अरे पर सोडा तो खाना खाने के बाद पीते है ना। अरे हाँ, तो चलिए खाना खाने चलते, चलो। मुझे खाना नहीं खाना है। अरे तो कैसे चलेगा, खाना तो खाना पड़ेगा ना। क्या है, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक सोडा नहीं पियेंगे। अगर आप सोडा नहीं पियेंगे तो आपको अंदर नहीं जाने दे सकते ना हम लोग। ठीक है भाई, बना भाई बना, बना सोडा बना, बना बना बना। आप आइए ना, तो बैठिए ना। कहाँ बैठो? ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ बैठू। हाँ मुंगी मुंगी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अरे मेहता साहब कहाँ अटके हो आप, जल्दी आ जाओ। रिक्शा आ गया, गया, गया। रुको रुको रिक्शा। अरे रोको। अरे खाली है तो भी नहीं रुक रहा है। कुछ भी करके रिक्शा रोकनी पड़ेगी। आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? मिल जाएगी रिक्शा, मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, फटाफट पहुंच जाएंगे हम लोग। आगे आगे रिक्शा आगे, देखो आगे। रुको 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 रुको। एक मिनट बेटा साहब, एक मिनट। अरे भाई आधे रास्ते में तेरे रिक्शा में गैस खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरे रिक्शा में गैस खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरे रिक्शा में गैस है ही नहीं। तो रिक्शा चलता कैसे? पेट्रोल से। हाँ तो आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? अरे बंटी की रिक्शा में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खत्म होने से पहले बंटी पेट्रोल भरवा देता है। शाबाश। चलो चलो जेठालाल जल्दी करो। पर जाना किधर है? पाउडर गले गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव। चलो भाई जल्दी करना, सोडा बना रहा है कि बुर्ज खलीफा बना रहा है? नहीं 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 जल्दी नहीं अब्दुल, आराम से। क्या है ना सर, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, काम बिगड़ भी सकता है ना। हाँ पर एक सोडा बनाने में इतना टाइम कौन लेता है? हमारा अब्दुल, अरे हमारा अब्दुल ऐसा सोडा बनाता है, एक बार आप पी के तो देखिए, आप बार बार आएंगे यहाँ पे पीने के लिए। हाँ पर उसके लिए एक बार तो पीना पड़ेगा ना। हाँ ये लीजिए। हाँ मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ। ओहो, इससे कहते हैं सोडा, क्या सोडा बनाया अब्दुल तूने, वाह। लाओ ना यार। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाना ना, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। साहब बंटी रिक्शा चलाता नहीं है, उड़ाता है। अरे वाह शाबाश शाबाश जटायु, बस बस रिलैक्स हो जाए मेहता साहब, अभी फटाफट पहुंच जाएंगे गोकुलधाम सोसाइटी। पहुंच तो जाएंगे हम लोग, लेकिन अब्दुल मेरे बॉस को रोकने में सफल हो जाए। लो भाई ये लीजिए दूसरी सोडा। हाँ एक के ऊपर एक फ्री। आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं सोडा तो अच्छा बनाया। थैंक यू, तो फिर लीजिए ना। जाओ भाई रोक क्यों नहीं? अरे भाई रोक, खा ले रहे। अरे ओ अरे भाई ओ, मेरा भाड़ा दे। अरे मेरा भाड़ा दे, अरे भाड़ा दे मेरा तू। अरे राह चलता आदमी से क्यों भाड़ा मांग रहा है? ओ भाई कौन है तुम? अच्छा कितनी जल्दी भूल गया तू मुझे, और मैं तुझे नहीं भूला हूँ। अरे भाई साहब क्या हुआ? साहब कुछ दिन पहले ये मेरे ऑटो में बैठा था, और इसके पास छुट्टा नहीं है, ये बोलकर गया छुट्टा लेने, पर ये वापस लौट कर ही नहीं आया। अच्छा अच्छा तो वो ऑटो वाले तुम थे? अरे भाई मैं छुट्टे लेकर आया था, लेकिन तब तुम नहीं थे वहाँ पर। अच्छा तो क्या मैं पूरा दिन बैठकर तुम्हारा इंतजार करते रहता? पूरा एक घंटा इंतजार किया मैंने तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी भाड़ा दे दीजिए। सॉरी आज फिर छुट्टा नहीं। अरे तो मोबाइल से पेमेंट दे दो भाई, चलो जल्दी।
मेरे पास ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है। अच्छा तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी छुट्टा लेकर आता हूँ। अच्छा इस बहाने से तुम वापस गायब हो जाओगे? ए भाई गायब हो जाएगा क्या मतलब, चोर उचक्का समझा है क्या? समझना क्या? अरे भाई छोड़ो ना तुम लोग, अरे इसका भाड़ा जो भी होगा मैं दे दूंगा, चलो ना यार। साहब बंटी किसी का हराम का नहीं लेता, लेकिन भाड़ा तो मैं इसी से लूंगा। हाँ तो मैं भी कौन सा देने से मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी छुट्टा नहीं मेरे पास। हाँ तो चलो छुट्टा लेके आते चलो। अरे क्या चलो, ए भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? साहब अगर आपको देरी हो रही है तो आप एक दूसरा ऑटो कर लीजिए और यहाँ तक का मेरा भाड़ा दे दीजिए। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ले ले चल पकड़, चल 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 चलिए। समझ में नहीं आ रहा इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, अब तक तो बॉस सोसाइटी पहुँच गया होगा। अरे डोंट वरी मेहता साहब, पहुँच भी गए होंगे ना तो अब्दुल है ना, वो उनको रोक के रखेगा। ठीक है मैं काम करता हूँ, फिर भी अब्दुल से कंफर्म करता हूँ, तुम जाके दूसरी ऑटो ढूंढो ना। हाँ ठीक ठीक। लो भाई लो, चलो हो गया तुम्हारा छोटा वोटा, चलो खोलो अभी ताला खोलो। हाँ बोले मेरे साहब। मेहता का फोन है? नहीं नहीं तारक मेहता नहीं, तरुण मेहता, ये मेरे कस्टमर है, बात करेंगे? नहीं मैं आपको बातें फोन करता हूँ। ओके मतलब बॉस गेट पर ही है, थैंक यू भगवान थैंक यू। एक और सोडा बनाओ। नहीं भाई नहीं, ऑलरेडी दो पी चुका हूँ, तीसरा नहीं पी सकता। तीसरा भी फ्री है, पी लीजिए ना। अरे भाई तीसरा फ्री होगा लेकिन मेरा पेट तो फ्री नहीं है ना, थोड़ा पी पी के फट जाएगा। अरे ऐसे कैसे पेट फटेगा, क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा तो पानी जैसी होती है और पानी से थोड़ी पेट फटता है। मेहता साहब से मिल लेंगे और आप जैसे बड़े लोग बार बार थोड़ी ना यहाँ पे आएंगे। अब्दुल तुम सोडा बनाओ। रुको 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 रुको, हाँ गोकुल राम सोसाइटी पाउडर गली, चलो गोरेगा गोरेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। बस अभी मैं और थोड़ा नहीं पीऊंगा, अभी सीधे जाऊंगा और मैट्रे को मिलूंगा। मैं जा रहा हूँ मैट्रे को मिलने, जा रहा हूँ मैं, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं खुला ही पड़ा था। अब्दुल यहाँ भी ताला मारना चाहिए था ना तुम्हें, अभी जल्दी से मेहता सबको फोन करो, बोल दो कि बॉस आ गए सोसाइटी में, मैं कैसे भी करके उनको रोकता हूँ। आइए आपको मैं लेके चलता हूँ। इधर मेहता साहब के घर जाना आपका, आइए इस तरफ आइए इस तरफ आइए, बॉस इज ऑलवेज राइट ना। वो देखिए ये हमारा क्लब हाउस है और ये डी विंग है। इस टोटल सोसाइटी में चार विंग है, ए बी सी डी। हाँ बहुत अच्छी सोसाइटी है हमारी, वेल मेंटेन। और अब्दुल का फोन आ रहा है, उठाए उठाए स्पीकर पर करिए। हाँ अब्दुल बोलो, बॉस अब तक वही है ना? नहीं मेहता साहब मैंने रुकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं। मैंने बोला था ना मेरे बॉस को कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, भिड़े भाई उनके पीछे पीछे गए हैं, वो उनको जरूर रोक लेंगे, आप बस जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है बस हम लोग पहुंच ही रहे। हाँ हम रास्ते में ही अब्दुल। हाँ ओके आइए आइए। बैठिए यहाँ यहाँ बैठिए, बड़े सोफे पे यहाँ बैठिए। हाँ इसमें ऐसा क्या खास है? नहीं वैसे बड़ा बड़ा सोफा है ना, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब मैं बताता हूँ वो लेके आओ जरा। ये कौन है मैडम? ये मेरी बीवी माधवी। तुम्हारी बीवी मैत्रे के घर में? नहीं मतलब ये मेरा घर। क्या ये मैत्रे का घर नहीं है? नहीं तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? वो रूल्स। कौन से रूल बता दो ना, आप बैठिए। कौन से रूल? मैं बता रहा हूँ आप बैठे ना सर प्लीज। देखिए बोलिए क्या है, हमारे सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं और रूल्स के मुताबिक सोसाइटी में जो भी पहली बार आता है ना उसको सबसे पहले मेरे यानी कि सोसाइटी के एक में और सेक्रेटरी के घर पे आकर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अपने एम्प्लॉय के घर में जाने के लिए कैसी परमिशन? आपका वो एम्प्लॉय इसी सोसाइटी का मेंबर है ना, इसलिए अभी मैं आपके लिए सोसाइटी के रूल्स तो चेंज कर नहीं सकता ना। ठीक है एक काम करो आप जल्दी से बनाओ वो जो भी क्या बोलते हैं पर्ची बनाओ पर्ची।
है पावती, वो बनाओ, परमिशन दो मेरे को, मैं जाऊँ, मुझे मेट्रो को मिलने जाना है। नहीं नहीं, ऐसे परमिशन नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको सोसाइटी के कुछ नीति नियम जानने पड़ेंगे। नीति और नियम, अभी ये दोनों कौन है? ये नीति नियम मतलब सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस। यार ये सोसाइटी है या कोई कोर्ट रूम है? इतने रूल इतने रेगुलेशन तो मैंने कहीं भी नहीं देखे। जो भी करना जल्दी करो, मुझे मैट्रो को मिलना है। हाँ बताता हूँ, सोसाइटी रूल नंबर वन। अजीब आदमी है यार तुम, तुम्हारे बनाए हुए रूल है तुम्हें कोई याद नहीं आ रहे। नहीं, नहीं याद है, क्या है सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स है ना, तो उसमें से आपको कौन से बताने वो छांट रहा हूँ। चलो ठीक है बच्चे, छांटो छांटो जरा जल्दी छांटो। हाँ तो रूल नंबर वन, गेस्ट सोसाइटी में किसी को भी मिलने सिर्फ विजिटिंग आवर्स में ही आ सकता है। विजिटिंग आवर? अरे यार ये सोसाइटी है, हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, ये तो सोसाइटी, लेकिन हमारी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। और रूल नंबर दो, गेस्ट को सोसाइटी में जिसके भी घर जाना है वहां पे जाने के बाद वापस वो अपने घर जाएगा। सोसाइटी में यहाँ वहाँ घूमना अलाउड नहीं। मैं यहाँ वहाँ क्यों घूमूंगा, ये कोई शॉपिंग मॉल थोड़ी है। मैं से मिलूंगा, अपने घर निकल जाऊंगा। क्या है ना, सोसाइटी के जो रूल्स है वो सबके लिए समान है, तो आपको भी जानना जरूरी है। और कितना रूल बाकी है? नहीं अभी ये लास्ट है, रूल नंबर तीन, कोई भी गेस्ट अगर सोसाइटी में यहाँ वहाँ कचरा फेंकता है तो 500 रुपए का फाइन लिया जाएगा। आप अपने सोसाइटी में आने वाले गेस्ट लोग से फाइन लेते हो? नहीं नहीं, गेस्ट से नहीं, वो गेस्ट सोसाइटी के जिस मेंबर के घर पे आया है उस मेंबर से हम लोग फाइल वसूल करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर मैट्रो को मिलने आया हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? आपके सोसाइटी में कचरा फैलाऊंगा, गंद फैलाऊंगा? मैं मैट्रो को मिलूंगा और चला जाऊंगा, इतने सारे नियम कौन रखता है सोसाइटी में यार? क्या है, हमारी सोसाइटी थोड़ी अलग है ना, हमारी सोसाइटी के रूल्स बहुत फेमस है। अरे हमारी सोसाइटी वर्ल्ड फेमस है। बस बस, अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है, मैं मेट्रो को मिलने जा रहा हूँ। अरे रुकिए 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 रु, 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 सर रुकिए, अभी और एक रूल बाकी है। कौन सा? आपकी फोटो लेनी। क्यों? सिक्योरिटी रीजन। तुम यहाँ के वॉचमैन हो क्या? नहीं नहीं, मैं एक सिक्योरिटी हूँ। तो फिर वॉचमैन वाले काम क्यों करते हो? क्या है, हमारे सोसाइटी में वॉचमैन कोई है ही नहीं, सोसाइटी के सारे मेंबर्स वॉचमैन है, मतलब सोसाइटी का मिलकर वॉच रखते हैं, इसलिए वॉचमैन रखा ही नहीं। तो ले लो फोटो। ठीक है बाबा, लियो लियो फोटो लियो। हाँ एक मिनट। हाँ रेडी, जरा स्माइल कीजिए। अरे देखो, हाँ अभी जरा लेफ्ट प्रोफाइल घूमिए। हाँ यहाँ देखिए, अभी अभी राइट राइट, यहाँ देखिए। अभी ना मैं आपका एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप अपना नाम बोल दीजिए। अरे तुमने मेरा फ्रंट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, फोटोग्राफ लिया, अभी तुम वीडियो ऑन करके मेरा मेरा नाम भी रिकॉर्ड करोगे। ये सोसाइटी है या सेंट्रल जेल है, इतना इंक्वायरी कौन करता है यार? सिक्योरिटी रीजन, बाद में आप अगर मुकर गए तो कि मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई हमशक्ल है, इसलिए नाम लेना जरूरी है। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलिए। फोटो भी खींच रहे आप उनकी? अरे तुम्हें सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस पता नहीं है माधवी? किसकी सोसाइटी के? किसकी? अपनी सोसाइटी के, ऐसा क्या करते? ये कब हुआ? अरे अभी कब, मतलब सोसाइटी के इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सब तुम्हें थोड़ी पता होंगे। जब भी सोसाइटी में कोई नया आदमी आता है तो उसकी हम लोग फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, और ये मेहता सबके बॉस है। नमस्ते, पहली बार आया ना, इस्ते सब मैं ले रहा हूँ। बरोबर है, आप बैठे ना बैठे, ये लीजिए पानी चाय सब लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है, मैं मेहता के घर पे जा रहा हूँ। लेकिन मेहता सब तो घर पे है ही नहीं। मेहता घर पे नहीं है? मेहता सब घर पे, माधवी मेहता सब घर पे ही है, उल्टा वो घर पे आराम कर रहे हैं, बेचारे चल भी नहीं सकते। क्यों? अरे उनके पैरों में मोच आई है ना। ये कब हुआ? कल तक तो ठीक थे। हाँ कल तक ठीक थे, वो आज सुबह ही पैर में मोच आई है।
नहीं नहीं, सुबह तो मैंने उनको सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा ना। क्या? मैते ने मुझसे झूठ बोला है? अरे नहीं नहीं, झूठ तो माधवी बोल रही है। भैया बोलता है, मैं कभी नहीं नहीं तस्से नहीं, मतलब वो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रही है, वो गलत फहमी हो गई है उसे। अरे मेहता साहब गए थे सोसाइटी के बाहर, लेकिन वो कल गए थे। कल नहीं कहा तुमने, मुझे बोला चलिए चलिए बालकनी में चलिए, वो देखिए मेहता साहब सोसाइटी के बाहर जा रहे हैं, ऐसे दिखाया था मुझे। तो वो कल हुआ था। हाँ, आज मैं खुद मेहता साहब को ऐसे पकड़ पकड़ के हाथी बह के घर लेके गया, वो मोच की पट्टी बंधवाने। अभी क्या है, मेहता साहब के बॉस पहली बार हमारे घर पे आए, तो इनके लिए अचार और पापड़ लेके आओ ना हमारे। अब मैं आपका अचार पापड़ खाने बैठूंगा, ये भी आपका रूल है? हाँ, नहीं रूल नहीं है, क्या है, माधवी मस्त अचार और पापड़ बनाती है, इसका बिजनेस है खुद का। हाँ। आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार खाएंगे। आप खाइए, आपके पहचान वालों को खिलाइए, फिर क्या है ना, हम आपके साथ बिजनेस डील भी कर सकते आगे जाके। हाँ, आप बड़े बिजनेस मैन है ना, तो क्या है अचार पापड़ में मतलब बेचने में मदद होगी ना। हाँ, करें। मैं अभी लेकर आई हूँ। हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं चाहिए आपके अचार पापड़। अरे रुकिए रुकिए सर, खा के देखिए एक बार, बहुत बढ़िया अचार और बनाती है, आप एक बार टेस्ट तो कीजिए। ए माधवी हैंडल लौकर। ठीक है, हाँ देखिए इसमें है ना, सत्यानाश काय चाललंय काय। अरे माधवी गोंधळ। अभी मैं एक काम करता हूँ, हाथी भाई को फोन करके करके बाहर बुला देता हूँ। हम बॉस को ना बातों में उलझा के रखते हैं, तब तक तुम जेठा को फोन करके बोल दो कि मेहता सबको लेके जल्दी घर पे आ जाए। माधवी भाभी का फोन उठा, उठाओ स्पीकर पे डालो। हाँ बोलिए माधवी भाभी। हाँ, आप लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग बस रास्ते में ही है यार। हम लोगों ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन बॉस नहीं रुके। सत्यानाश। नहीं लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बॉस अब भी हमारे घर से निकले। ये हाथी भाई को फोन करके बोल देंगे कि कैसे भी करके बॉस को रोक लीजिए, बस आप दोनों जल्दी आ जाइए। हाँ बस माधवी भाभी, हम लोग रास्ते में बस पहुँच रहे हैं। हाँ हाँ माधवी भाभी, अंजलि मेरा फोन नहीं उठा रही, आप सिर्फ अंजलि को मेरे बॉस वाली बात बता दीजिए ना। हाँ मैं कर देती हूँ फोन। फोन वाइब्रेटर पे है। हाँ बोलिए माधवी भाभी। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब के बॉस सोसाइटी में आए हैं उनसे मिलने के लिए। क्या? हाँ तारक ने मुझे बताया नहीं। अब एक मिनट माधवी भाभी, तारक के मिस कॉल्स है, पर मैं काम में बिजी थी और फोन वाइब्रेटर पे था तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं अंजलि भाभी, लेकिन अभी ध्यान रखना, बॉस सोसाइटी में ही है, तो अभी जब तक मेहता साहब नहीं आए तब तक दरवाजा मत खोलना और आप भी बाहर मत निकलना। हाँ हाँ, मैं घर से नहीं निकलूंगी। हाँ हाँ, हे भगवान क्या मुसीबत आ गई है उनपे, प्लीज उन्हें जल्द से जल्द घर सही सलामत पहुंचा दो प्लीज। अरे भाई साहब थोड़ा जल्दी चलाइए ना हमें, साहब इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता है। अरे भाई साहब अगर ऐसे ऑटो चलाओगे ना तो हम लोग कल घर पहुंचेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। हाँ हाँ बड़ा बड़ा भाई बड़ा, देख तेरी जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना उतना मैं तुझे मीटर के ऊपर ज्यादा पैसा दूंगा। साहब हमारे बाबूजी ने कहा है कि लालच बुरी वाला है। तो तुम्हारे बाबूजी ये नहीं सिखाया कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो अपने नियम तोड़ देने चाहिए? नहीं साहब। हाँ कोई बात नहीं, मेरे बापू जी ने मुझे सिखाया है कि इमरजेंसी में किसी की मदद करने के लिए हम अपने नियम तोड़ सकते हैं। भगा 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 भगा। अरे भाई रिक्शा रोक क्यों दी? साहब आप उतर जाइए, हमें ऐसी किचकिच करने वाली सवारी पसंद नहीं है साहब। अरे अच्छा ठीक है भाई, चल अभी भगाने को नहीं बोलेंगे, तू चल अपने हिसाब से चला बस। हम आपको सॉरी बोलते हैं साहब, आप उतर जाइए। अरे हम लोग क्यों उतर जाए? हाँ हम नहीं उतरेंगे, बैठो बैठो बैठे बैठे रहो। ठीक है तो हम ही उतर जाते हैं। अरे भाई अरे अरे क्या बचपना है भाई, अरे बैठ भाई बैठ जा भाई। अरे छोड़ो यार इसको, हम लोग दूसरी ऑटो ढूंढते हैं, चलो चलो। अरे यार चलो 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 चलो। एक मिनट एक मिनट, अब क्या हुआ? अरे यार दे देते ना इसका, कौन हाई लेगा खाली पकड़ का, ये ले चल पकड़। हाँ हेलो हाथी भाई। क्या टाइम पे फोन किया भिड़े मास्टर, आ जाओ गर्मा गर्म समोसे खाने। हाथी भाई समोसे को हाथ पर लगाना, आपको समोसे की कसम। क्यों क्या हुआ?
अरे समझे आप? हाँ ठीक है, मैं अभी जाके उनको रोकता हूँ। हाँ हाँ जल्दी। क्या हुआ हंस? कोमल मेहता साहब की बॉस सोसाइटी में आ गए हैं, हमें चल के उन्हें रोकना है। मैं भिड़े को फोन करके बोलता हूँ, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ। तब तक बॉस को संभाल के रखें। हाँ, हाँ। देख के चलना। सॉरी मेहता, सॉरी सॉरी। अरे मेरा फोन, फोन तो बंद हो गया। एक मिनट देखो। जेठालाल जाने दो, हम लोग रिक्शा ढूंढते। पता नहीं सारे रिक्शा वाले कहाँ रह गए, एक रिक्शा नहीं। हाँ वही तो, एक रिक्शा नजर नहीं आ रही है। जेठालाल मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में हम लोग गोकुल धाम पहुंचने वाले। नहीं नहीं पहुंच जाएंगे, बता साहब पहुंच जाएंगे। अरे कैसे पहुंचेंगे, अब तक दो रिक्शा और एक टैक्सी बदल चुके हैं, अब तक हम लोग आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे, ऊपर से फोन टूट गया वो अलग। ये आज क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? वही जो रोज मेरे साथ होता है मेहता साहब। जेठालाल अब बहुत हो गया, तुम इंग्लिश सीख लो। अरे इसमें बीच में इंग्लिश कहाँ से आया? अगर तुम्हें इंग्लिश आती तो तुम मुझे मीटिंग में बुलाते नहीं, और अगर मीटिंग में बुलाते नहीं तो ये सब होता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, रिक्शा मिलते ही फटाफट गोकुलधाम पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ वही, रिक्शा मिलते ही, लेकिन रिक्शा मिलना चाहिए ना। मिल जाएगी। मैं तो मेहता साहब छोड़िए रिक्शा को, एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी? हाँ। तो गाड़ी में चलते। किसकी गाड़ी है? क्या पता, कोई ऐसा किसी की भी गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? अभी दिखाता हूँ। क्या क्या कर रहे भाई साहब? हमारा एक रिश्तेदार बहुत ही सीरियस है, हमको अर्जेंट वो पाउडर के लिए गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचना है। हम कब से यहाँ खड़े लेकिन एक टैक्सी एक रिक्शा नहीं दिख रही है, प्लीज हमारी हेल्प करेंगे, इमरजेंसी, हमको वहां तक पहुंचा देंगे, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है बैठो। भाई थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए 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 चलिए। हे भगवान, ऐसा कुछ करना कि हमारे पहुंचने तक हाथी भाई सब कुछ संभाल लें। अरे आप टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, डॉक्टर हाथी बहुत होशियार है, सब संभाल लेंगे। मेहता भाई मेहता, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे आप तो डॉक्टर हाथी है ना, मेहते के डॉक्टर हाथी। अरे हाथी भाई आ गए। ये है मेहता सबके बॉस। हाँ वीडियो कॉल पे मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छा मेहता कहाँ रहता है? मुझे मेहते का घर बताएंगे, आप मुझे मिलना है उसको। सर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे आपके सेक्रेटरी ने मुझे परेशान करके रखा है। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने कब परेशान किया आपको? मैंने आपको सोडा पिलाई, ये अचार और पापड़ दिया। पर आपने मेरे दिमाग का अचार पापड़ बना दिया ना, उसका क्या? परेशान हो गए हैं आप? अगर ऐसी हालत में आप किसी बीमार इंसान से मिलने जाएंगे तो वो और बीमार हो जाएंगे। सही बात है, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर मेरे घर पे बैठिए, फिर आप मेहता साहब से मिलना। आएंगे ना, मजा आएगा, मिलेंगे आपको, मिलेगा। चलिए चलिए चलिए। अरे छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो। अरे छोड़िए ना यार। नहीं अरे मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, ये क्या है यार? ये छोड़ो मेरा हाथ। इस बार भी जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ ना, कभी नहीं छोड़ता। वेरी ट्रू। अरे आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे मेहते के घर पे जाना है। आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको आराम करना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो मैं कौन सा काम करवाने वाला हूँ उससे? मैं तो खाली मिलने आया हूँ ना उसको। हाँ फिर भी ऐसी हालत में पेशेंट को ज्यादा लोड नहीं दे सकते। हाँ। अरे उसको तो खाली पाँव में मोच आई है ना, तो लोड काहे का? यहीं पे आप जैसे लोग गलती करते हैं। मतलब उन्हें पैर में मोच आई है, उसका असर उनके दिमाग पर हुआ है, इसलिए उनको अकेले रह के आराम करने की जरूरत है। हाँ। और क्या है कि ऐसे में दाएं पैर के साथ साथ सिर को भी आराम की जरूरत है। एक मिनट, क्या, क्या क्या बोला आपने? दाएं पैर के? सुबह जब वीडियो कॉल पे बात हुई ना, उसके बाएं पैर में मोच थी, अभी दाएं में कैसे हो गई?
अरे सर आप पैर को छोड़िए ना, मोश पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या है ना, अभी मेहता साहब को आराम की सख्त जरूरत है। सही बात है, और सर मुझे लगता है कि आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। मुझे क्यों? अरे क्यों क्या, देखिए ना आपकी फेस में कितना स्ट्रेस दिख रहा है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं नहीं पीना मुझे कुछ भी, मैं 3-3 सोडा ऑलरेडी पी कर आया हूँ। एक काम कीजिए, आप ये समोसे और कचौरी खा लीजिए, कोमल ने अपने हाथों से बनाए। अरे भाई नहीं खाना है मुझे कुछ भी, मुझे भूख नहीं है। अरे खा लीजिए ना सर, वैसे भी आप 3-3 सोडा पी चुके, अगर पेट पे कुछ नहीं होगा तो फिर सोडा अंदर हजम क्या करेगी। खा लीजिए यार, मुझे नहीं खाना है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना है। आप लोग प्लीज प्लीज ये खाने पिलाने का प्रोग्राम बंद करो और मुझे मैत्रेय के घर पे जाने दो। नहीं 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 नहीं, बिना ट्रीटमेंट किए आपको मैं नहीं जाने दे सकता। हाँ ट्रीटमेंट, अरे भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। जैसे हर मुजरिम को लगता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया वो बेगुनाह है, वैसे ही हर पेशेंट को लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ वो तंदुरुस्त है। हाँ वाह भिड़े मास्टर, सही बात है। क्या सही बात है, क्या सही बात है। आपको मालूम है सिर्फ एक हफ्ता पहले मैंने अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराया है, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मुझे एक भी बीमारी नहीं है। अरे सर एक हफ्ते में देश की पूरी सरकार बदल जाती है, आपकी हेल्थ क्या चीज है। एक मिनट यार, डॉक्टर ये है कि आप है तो फिर आप क्यों इतना बोलते हैं बीच में। क्योंकि सोसाइटी का ये भी एक रूल है कि कोई भी बीमार आदमी सोसाइटी के बाहर बिना ठीक हो जा ही नहीं सकता। तभी तो मेहता साहब घर पे है। इससे जल्दी से आप ही ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वरना कहीं अगर बीमारी बढ़ गई तो आपको 2-3 दिन यहीं रुकना पड़ेगा। भाई मुझे सोसाइटी के सभी रूल्स आपको समझाने पड़ेंगे, समझाऊं? करो 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 मेरा चेकअप करो, करो लाओ, करो भाई करो, ये लो आराम से, आराम से आदि भाई, आपको आराम से करना है काम। हाँ कोई जल्दी नहीं है, कोट के ऊपर से लगाया तो आएगा। हाँ आएगा, कोर्ट के ऊपर से पहली बार देखा मैंने कोई डॉक्टर लगाया। आ जाए आ जाएगा, आपकी तो पल्स ही नहीं मिल रही है, अब जिंदा हो ना। अरे यार ये स्टेथोस्कोप कान में तो डालो, किसने बोल रहा है तेरे को डॉक्टर। सॉरी सॉरी भूल गया। हंस रिलैक्स, टेक योर टाइम टेक योर टाइम। ओ माय गॉड क्या हुआ, ब्लड प्रेशर 120/80 है। बड़े तो नॉर्मल हुआ ना, पर इतना सीरियसली क्यों बोल रहा है। वो क्या है ना, हमारे आती भाई उनके प्रोफेशन को और पेशेंट को दोनों को सीरियसली लेते हैं। हाँ सही बात है, राइट। हाँ इतना लेते हैं सीरियसली कि पेशेंट सीरियस हो जाता है। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग से। नहीं चाहिए। सर भले ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो लेकिन आपको ब्लड टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। ब्लड टेस्ट मुझे नहीं करवाना है, ब्लड टेस्ट। तो आप समोसा टेस्ट कीजिए। हाँ। नहीं 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 आसन है, दोनों में से एक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, या तो ब्लड टेस्ट या तो समोसा टेस्ट। हाँ, हाँ। मुझे ना कुछ टेस्ट करना है ना टेस्ट करना है, मुझे मेहता को मिलना है। अरे लेकिन मेहता साहब किधर भागे जा रहे हैं। हाँ हाँ वो तो भाग के आ रहे हैं। नहीं नहीं बाबा का क्या बोल रहे आती भाई, वो तो भाग ही नहीं सकते ना, उनके दाएं पैर में मोच आई है ना। बाएं बाएं मैंने अभी करेक्ट किया था, तुम बार बार भूल जाते हो यार। हाँ वही वही वही, मतलब इन शॉर्ट वो भाग नहीं सकते। हाँ हाँ पर मैं तो भाग सकता हूँ ना, मैं भी भाग के जाता हूँ और मैट्रे को मिलता हूँ। नहीं 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 ऐसे नहीं, अभी आप हाथी भाई के घर पे आए और बिना नाश्ता किए जाएंगे तो ये तो रूल के खिलाफ है। सही बात है। प्लीज सर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, अपने हाथों को क्या जवाब दूंगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक, हाँ लीजिए लीजिए। हाँ आप आराम से खाइए, मैं जरा 2 मिनट में काम निपटा के आता हूँ। आराम से चल। ब्रश है। हाँ
बिल्कुल कोमल ने अभी अभी बनाया है। खाइए ना। हाँ खा रहा हूँ। खाइए ना। अब खा रहा हूँ। आप लोग बोलना बंद करेंगे तो। हाँ सॉरी। बता सबके बॉस को कैसे रोके। देवा ये मेहता साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये कलर कोई करता हूँ। भिड़े का फोन? दो 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 दो। हाँ भिड़े बोलो। अरे मेहता साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है जेठालाल? अरे मैं मेहता ही बोल रहा हूँ, बोलो ना। ओ अच्छा अच्छा, तो आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे मेरा फोन गिर के टूट गया, इसके लिए बंद हो गया। तुम अभी ये बताओ कि वहाँ के क्या हाल है? पहले ये बताइए कि आप लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग पहुँच ही रहे हैं रास्ते में। अभी तक रास्ते में? अरे ऐसे कौन से रास्ते से आ रहे हैं आप? अरे रास्ता तो वही है, लेकिन रास्ते में इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि अटक अटक के आ रहे हैं। अरे कुछ भी कीजिए, जल्दी आइए, आपके बॉस को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। हाँ जल्दी आइए। अरे वाह वाह वाह, क्या बातें, हो गया खाके? हाथी भाई सब बराबर ना? हाँ, हाँ भैया खा भी लिया और निपटा भी लिया बस। हाँ, अभी रूल के साथ चाय नहीं चाहिए। रूल क्या रहा भैया? सर सर सुनिए, सर 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 सुनिए। अरे किधर है ये मैटे का घर? किधर है? परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। मैटे रुकिए 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 सर, रुकिए रुकिए रुकिए। ए अब्दुल। हाँ देखिए, आप मेहता साहब से ऐसे नहीं मिल सकते, आपको सोसाइटी की प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी कौन सा प्रोसीजर बाकी है भाई? आपको सोसाइटी ऑफिस में जाके अपने नाम के रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ेगी। ओह माय गॉड, भिड़े भाई, इन्होंने अभी तक एंट्री नहीं कराई? नहीं सॉरी भिड़े भाई, एंट्री के बिना हम इन्हें अपने घर ले गए, सॉरी। सही बात है भिड़े मास्टर, सोसाइटी के रूल के हिसाब से जो भी पेनल्टी होगी ना हम भर देंगे। हाँ भर देंगे। पर आपने तो मेरा फोटो तक ले लिया ना, फ्रंट भी ले लिया, लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल, अभी और क्या चाहिए आपको? वो फोटो लिए ना, नाम की एंट्री कहाँ कराई है आपने अभी तक? अब्दुल इनको सोसाइटी ऑफिस लेके जाओ और उनके नाम की एंट्री कराओ। हा? हा। अरे भाई मैं एक मिनट में मैटे को मिलूंगा और निकल जाऊंगा। रूल इज रूल, एक मिनट में कैसे क्या हो जाता है यार। हाँ और नाम लिखने में भी तो एक मिनट लगेगा ना। जाइए जाइए, चलिए एंट्री कर देते। चलो भाई चलो, किधर जा रहा है? चलो अब्दुल भाई, टेक योर टाइम। ओ यस, किधर है? हाँ यहाँ यही, आइए सोसाइटी ऑफिस। निकालो रजिस्टर, निकालो। आइए 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 आइए, ये है हमारे गोकुलम सोसाइटी का ऑफिस। बाप रे कितना बास आ रहा है यहाँ पेंट का। वो अभी भी सोसाइटी को कलर किया ना, तो थोड़ा सा बास। आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। क्या? अरे हम लोग यहाँ पर चाय पीने नहीं आए हैं, रजिस्टर पे साइन करने आए हैं। रजिस्टर निकालो और साइन लो और मुझे जाने दो। सॉरी सॉरी, एक सेकंड। क्या? अरे फ्लावर वास में रखता है क्या रजिस्टर? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ। मिल जाएगा, डोंट वरी। अरे भाई मिला क्या? डोंट वरी, मिल जाएगा। क्या डोंट वरी, कब तक डोंट वरी? अरे रजिस्टर है भी कि नहीं? है रजिस्टर है, लेकिन क्या है कि दो दो रजिस्टर है, लेकिन तो, मिल ले रहा है तो ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बिना साइन किए नहीं जा सकते। पर जब रजिस्टर है ही नहीं तो साइन कहाँ करूंगा मैं? अच्छा एक मिनट, क्या करूँ? लो वापस ले लो। नहीं हाथ पे साइन कीजिए। अरे हाथ पे साइन करूँ मैं? हाँ। अब उससे क्या होगा कि ये जो हाथ पे साइन किया हुआ है ना, उसको मैं रजिस्टर पे से कॉपी मार दूंगा। और तुमने हाथ धो लिया और साइन मिट गया तो? नहीं, जब तक मैं रजिस्टर पे कॉपी नहीं मारूंगा तब तक मैं धोऊंगा नहीं, चाहे इसके लिए एक हफ्ता ही क्यों नहीं लग जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी खुद की समझ में भी आ रहा है क्या? नहीं। अरे एक एक मिनट एक मिनट, क्या लिखो? आपका नाम, आपका एड्रेस। मास्टर ये बॉस तो अभी ऑफिस से आ जाएंगे।
उसके बाद क्या करेंगे? हाँ। क्या मैं मेहता साहब को ही पूछते ना क्या करना है। फिर से भिड़े का फोन आया। दो, दो, दो। हाँ भिड़े बोलो। मेहता साहब आपके बॉस हाथी भाई के घर से निकल गए। क्या मतलब बॉस मेरे घर पे चले गए? नहीं नहीं आपके घर नहीं गए वो, हमने बहाने से अब्दुल के साथ उनको सोसाइटी ऑफिस में भेजा है, लेकिन अब्दुल वहाँ पे उनको ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। अरे नहीं नहीं भिड़े ऐसा मत बोलो, कुछ भी करके मेरे बॉस को रोकना तो पड़ेगा ही। अगर मेरे बॉस मेरे घर गए ना तो आज मेरी नौकरी गई। लेकिन मेहता साहब उनको रोकने के सारे पैंतरे आजमा चुके हम लोग, अभी हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, आप ही कुछ बताए ना क्या कर सकते। एक काम करो, उन्हें मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई खिलाओ। नहीं 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 खिलाने की बात ही मत करना, उनको जबरदस्ती तीन तीन सोडा पिलाई है, दो समोसे एक कचौरी खिलाई है। वो नहीं वो नहीं, दूसरा कुछ आइडिया दीजिए, उनका कोई शौक है? पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग? अरे उनको घुमाने थोड़ी लेके जाना है, सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई शौक बताइए ना। हाँ उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट का नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा क्रिकेट का शौक है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। आप लोग कहाँ पहुँचे? हेलो 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 जेठालाल इसकी तो बैटरी लो हो गई। हेलो 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 फोन बंद हो गया। क्या हुआ? बैटरी लो हो गई। तुमने फोन चार्ज नहीं किया था? अरे मेरी नहीं, जेठालाल के फोन की बैटरी लो हो गई है। आपने जेठा भाई को फोन किया था? हाँ क्या हुआ, इससे पहले मैंने फोन किया था मेहता साहब को, लेकिन उनका फोन गिर के टूट गया, तो मैंने जेठा को फोन किया था, अभी दोबारा मैंने जेठा को ही फोन किया, तो अभी लगता है उसकी पूरी बैटरी लो हो गई है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? वैसे मेहता साहब ने अभी आइडिया दिया है कि उनके बॉस को क्रिकेट बहुत पसंद है, मतलब क्रिकेट का नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अगर टप्पू सेना उन्हें क्रिकेट खेलने में बिजी रखे तो हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। हाँ, तब तक जेठा और मेहता साहब भी आ जाएंगे। हाँ। मैं अभी गोड़िया को फोन करता हूँ। गुलाब कुमार। फोकस गोली फोकस। ए, चीटिंग मत करा गोगी, उधर रखा था रख उधर। अंकल का फोन। हाँ मेरे अंकल। हाँ गुलाब कुमार जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ? समझ गया बेटे अंकल, समझ गया, डन।